हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। नए दिन की नई शुरुआत उदय बलोच ब्लॉग के साथ में हो गई है। सुबह लग गई हूँ अपने काम पे। अच्छा, सिद्धांत को भी भेजना है स्कूल। ठीक है, और अब जाके जब देख रही मैं रात में इतना टाइम हो गया हॉस्पिटल में। मोइन का जो हाथ फ्रैक्चर हो गया है उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे कुछ ब्लॉग बनाए, और अब जब मैं सवेरे उठ के देख रही तो एक भी क्लिप नहीं है उसमें। अरे कहना क्या चाहते हो? एक भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? उठा के बोल रही हूँ ब्लॉगर भैया को, तो वो भी नहीं सुन रहा है। होता है बोलते अम्मी ऐसे सबके साथ में होता है, हम तो बहुत छोटे मोटे ब्लॉगर है, तो बड़े बड़ों के साथ भी होता है, क्लिपें उड़ जाती है। जो कुछ है वो आपको बताऊंगी कि मेरे बच्चे का हाथ टूट गया है। मैं तो एकदम लाइटली ले रही थी, तजिद करके उसको भेजी हूँ हॉस्पिटल, और वहाँ जाके देखी तो उसका हाथ में है फ्रैक्चर। बस दुआ करें। मैं बताती हूँ आगे आपको ब्लॉग में कि क्या हुआ था क्या नहीं। क्योंकि रोड पे जो पानी वो बारिश की वजह से ना कीचड़ ही कीचड़ है, क्या बोलूँ, इस तरह इतनी गंदगी वाला कीचड़ है ना कि गवर्नमेंट ने डाल की गई उसमें माल मसाला रहती है, और बारिश रुकने देने वाला है क्या? तमाम भी लड़खड़ा है। तो बताती हूँ आपको, चलो देखते हैं अपने डेली के। इस फाइनली प्लास्टर लगा दिए इनको महाराज को हमारे, और ये हो गए अभी शहंशाह। ये एक महीने के शायद से शहंशाह हो गए, क्योंकि प्लास्टर हड्डी टूट गई है बोल रहे, तो अभी आज प्लास्टर लगे। कल सुबह बोला है ना कि 7 दिन के बाद, एक हफ्ते बाद आना है रिटर्न। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी एक हफ्ते चलो घर पे आते हैं और आपसे घर पे मिलते। तो गाइस रात के बज चुके 2 हफ्ते के हम लोग घर पहुँचे, और अभी फिलहाल जा रहे हैं घर पे। पूरा अंधेरा हो चुका है, कुछ दिख रहा तो है नहीं, मुँह में अभी दिखते हैं, यहाँ दिख रहे। रात के 2 बजे हम लोग आ रहे हॉस्पिटल से। इतना टाइम लग गया आज क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्दी थी वहाँ पे, और इतने पेशेंट आ रहे थे जा रहे थे आ रहे थे जा रहे थे, तो हम लोग का नंबर ही नहीं आ रहा था। तो अच्छा एक जन मिल गए हमारे साथ में, तो उनके साथ में हम लोग का नंबर फटाफट ले लिए, तो हम लोग को और भी टाइम लगता। अब पहुँच चुके घर पे। अस्सलाम वालेकुम, शहंशाह फरमान हो आई। इसका मोबाइल जमा हो गया हमेशा। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस यहां पे अपनी चाय बन रही है क्योंकि सिद्धान को जाना है स्कूल। तो आप देख सकते हैं ये तो तैयार हो गया है, क्योंकि बाल बनाने का तो टेंशन नहीं था। नींद ही इसकी कवर नहीं होती है, नींद तो कवर ही नहीं होती है, इतनी नींद अभी भी भरी है। अच्छा कि बाल बनाने का टेंशन ही नहीं है। ना ऐसा करना, बाल को जरा शेप में काट देना साइड से। क्यों? अरे रे 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 रे। और इन लोगों को रात को आते आते इतना लेट हो गया था बच्चों को कि 2 बज गए थे, बातें करते करते 3, सोते सोते 4, हम लोग सोए रात को 4 बजे सभी जन, क्योंकि स्कूल जाना था ना। यहाँ पे सिद्धांत को दूसरी बॉटल दे चुकी हूँ, क्योंकि पहली बॉटल को तो वो तोड़ के लेके आ चुका है। आप देख सकते हो गिरा के लाया, वो टूट चुकी है साइड से, इसकी कैप ही टूट चुकी है, अब इसको नया ढक्कन ढूंढना पड़ेगा। ये ऐसी नुकसानी है, इसके लिए मैंने 2 एक साथ में ली थी। मुझे पता है ना ये लड़का क्या करने वाला है, इतना मुंह इतना नीचे मुंडी करके कुछ फायदा नहीं है। चलो निकलो गाइस, देखो अपना हसनैन तैयार है, मैं इस पार हूँ, वो इस पार है, बीच में दीवार है। हसनैन ना जर भी जाने रो रहा था, क्यों हसनैन, क्यों ऐसा चलते ही रहता है? बाप रे बाप, इसकी बड़ी बड़ी बातें देखे, चलते ही रहता है, बोले होता है ऐसा चलने वाला काम।
तो फिर अभी स्कूल से कभी आएगा बाबू? अच्छा, संभाल के जाओ। गाइस देखो, हमारी फातिमा आज भी स्कूल जा रही है क्योंकि मैं सिद्धांत रो रो के आता है। ये इतनी अच्छी बच्ची है ना, ये कभी रोके नहीं जाती है ना। हाँ, अच्छा लगता है स्कूल जाने। इस्माइल यूसुफ में कराई एडमिशन तो पीपल एकेडमी उदय भाई वाली स्कूल में। अच्छा है ना, आप देख सकते हैं ना जैसे मेरा आजू बाजू घूम रहा है ये बिल्ला। देखो मैंने नजदीक नहीं आता है इसको, लगी है भूख। इसका खाना निकाल के रख चुकी हूँ मैंने। आ जाओ भाई साहब, इतना प्यार तो आप कभी दिखाते नहीं है इसका खाना पानी। इंजॉय करो, मजा नहीं लाइफ। इनकी जिंदगी अच्छी यार, मनपसंद खाना, न कपड़ा, न बर्तन, जिंदगी। हाय अल्लाह, जिंदगी बर्बाद हो गया। गाइस यहाँ पकाने की तैयारी चालू है। यहाँ बन रहा है मेरा बेहिस्ता और यहाँ पर मैंने गोश्त को मसाला लगा के रखी हूँ, दही वगैरह के काम। अरे बापरे, ये टमाटे ने जान ले लिया है, तो दही से ही बनाना पड़ेगा आजकल खाना। फिर जब लाल हो जाए फिर इसको भी पीस के इसमें मिला दूंगी मैं। तो गाइस यहाँ पे बेहिस्ता तैयार हो चुका है, अब इसे निकाल दूँ और थोड़े गर्म मसाले निकाल के रखी हूँ। ये थोड़े गर्म मसाले, क्योंकि गर्म मसाला पिसा हुआ मैंने डाली हूँ इसमें, और ये छोटी इलायची वगैरह है, तेज पत्ता है, थोड़ी लाल मिर्च है, दो तीन ही है। अब ये निकाल दूँ वरना ये जल जाएगा। गाइस ये गरम मसाले डल चुके हैं, अब जाएगा इसमें ये मटन मिक्स। गाइस सारे मसाले डल चुके हैं इसमें, क्योंकि इसको मसाला आगे आधे एक घंटे से रखी थी, और अब डाल चुकी हूँ कुकर में और इसे अच्छे से भूनूंगी। पूरा तेल ऊपर आए तक भूनूंगी, बाद में करूँगी शेरवा, क्योंकि दही का ही पानी छूटेगा, प्याज का, गोश्त का, सबका प्याज पानी छूटेगा। और आप देख सकते हो कि ये बेहिस्ते को पीसना है मुझे, वो भी इसमें डालना है, और फिर डालूंगी मटन मसाला। तो गाइस आप देख सकते हो इसमें मैंने अभी कोथमीर भी डाल दी हूँ और ये बेहिस्ता पीस के डाल दी हूँ। माशाल्लाह खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, और आप भी ट्राई करके देखना, एक बार ज़रूर बनाना ये डिश। और इसमें थोड़ा सा ये जो बेहिस्ते का पानी बचा था ये भी डाल दी मैंने इसे खंगाल के। तो अभी इसे जरा स्लो आँच पे अच्छे से पकने दूंगी, तो इतनी अच्छी है कि भूख लग रही है लोगों को। अब ब्लॉगर भैया भी बैठे हुए पढ़ाई करने, ये भी कह रहा है कि जिदान आवे कि हम लोग खाना खाने सब जन बैठ जावे एक साथ में। कि नमाज ना मेरी अब भी कंप्लीट हुई, पका रही भी थी और नमाज भी पढ़ रही थी साथ में। तो पकाते पकाते नमाज भी कंप्लीट, पूरे काम कंप्लीट, तो लाइक तो बनता है। आप लोग ना जितने जन देखते उतनी लाइक नहीं आ रही, तो लाइक आएगी तो और ही ब्लॉग बनाने मज़ा आएगा। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या और नए नए बच्चों के साथ में हम प्रैंक करें, क्योंकि डर भी होता है कि कॉपीराइट ना आ जाए कि बच्चों के साथ में आप ऐसा वैसा कर रहे। तो इसके लिए मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ में नहीं, विरार जाऊंगी तो बड़ों के साथ में करती हूँ। यहाँ तो भी रिक्स लेके एक गेम तो बच्चों के साथ में खेल ली, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो आगे जाके ब्लॉग में देख सकते हो। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मेकअप का हम लोग बिना मिरर वाला मेकअप विरार में करे थे बच्चों ने, तो अगर जिसने भी मिस किया होगा वो जाके देख सकता है। और जिदान के कुछ क्लिप्स हम लोगों ने मेकअप के उठा के रखे थे, जिदान, नियान और इस हमारे जकी के। तो अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हम वो ज़रूर डालेंगे। पहले भी कह चुकी है कि आप कमेंट्स करें, हम लोग ज़रूर डालेंगे इंशाल्लाह वो वाले ब्लॉग्स। तो गाइस कुकर का ढक्कन बंद हो चुका है, अब लगेगी इसमें दो सीटी और ये बन जाएगा इंशाल्लाह खाते हुए। अगर याद रिया तो मैं क्योंकि गजनी हूँ, मैं भूल जाती हूँ खाते हुए, याद किसी को नहीं करती मैं, तो अगर याद रिया तो जरूर बताऊंगी इंशाल्लाह। निगाह ऐसी बाहर रहती है ना जैसा कोई आ रहा है, वो ऐसा देखो तभी इतना बाहर देख रहा था और लोग पालू बटाटे मेरे को डरा डाला, इतनी डर गई मालूम, मेरा दिल कितना धक धक कर रहा है। देख हाँ सिद्धान, मराठी का होमवर्क बाकी था, सर का मुझे फोन आके गया, क्यों अब की बार से आना नहीं चाहिए, लास्ट था ये। हाँ गाइस देखो ब्लॉगर भैया भी आ गए अभी, और मोइन भी आ चुका है, वो अपनी नमाज कंप्लीट कर रहा है, अभी नमाज कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी चाय, इन लोगों का नाश्ता,
अखा दिन मेरा इसी में चल रहता है, खाना नाश्ता कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा दे चाय दो यार, चलो देती हूँ इनको नाश्ता फिर आपसे। जो पागल हो गए घर में सब, शादी के पूरे एल्बम कैसा लगा के देखे अपने ब्लॉग। तो गाइस आपने देखा इस गुंडे को, तो रात में आते हैं तीन लोग, तीन चार तो हम लोग सोते होते ही बच गए। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। कल आपको नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।